क्या बात है तारे आप मेरे तारे आप मेरे पाए अम्मी मेरे सामने को मदीना तो अब बगैर किसी ताखीर के आए हुए मुकर्रे खुसूसी आगे जनाब इज्जत माद जनाब मुफ्ती मोहम्मद शकीब साहब बिस्वानी के रूबरू पहुंचता हूं और इन अशआर से इस्तकबाल करता हूं। मरना मुझे पसंद है जीना पसंद है मरना मुझे पसंद है जीना पसंद है सारे जहां में शहर मदीना पसंद है मेरे नजर में इत्र की खुशबू भी कुछ नहीं इतना मुझे नबी का पसीना पसंद है। इज्जत मार जरा मुफ्ती साहब के रूबरू पहुंचता हूं और इत्माज करता हूं कि अपने मवाइज हसन से हम सबको मुस्तफीद फरमाएं। उसके बाद शरा मुशायरे का दौर शुरू होगा। अल्लाहिल्लज़ी खलक मिनल माई बशरन फजअलहू नसबन वसिहरा وكان ربك قديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجوها النجاة حين لا يجد الظالمون وليا ولا نصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف حضرات علماء اکرام گرامی قدر شخصیات یقیناً रात काफ़ी हो रही है और आप हजरात की तवज्जो हजरात शुआरा इकराम की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बस इंशाल्लाह चंद मिनट हाइल होगा, इससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट आप हजरात तवज्जो से बात समाप्त फरमा लें। मैंने एक आयत पढ़ी है لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دوسری آیت پڑھی وعاشروهن بالمعروف اللہ فرماتے ہیں یقیناً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात में तुम्हारे लिए नमूना है, बेहतरीन फैसला है। हम इस पर अमल नहीं करते, हम समझते नहीं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाब बिल्कुल छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज हम तरक्की में बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। जब हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोड़ेंगे तो अल्लाह की तरह तरह की आजमाइशें दुनिया में आएंगी और हमको पकड़ेंगी फितनों की शक्ल में, मुसीबतों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, और कभी जालिम बादशाह आकर के हमारे जहनों को मुंतशिर करता रहेगा। हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत से मुंह मोड़ेंगे तो अल्लाह हमको आजमाएंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हिदायत दे रहा है। वआशिरूहुन्न बिल मारूफ
इन औरतों के साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर करो, जो हमारे निकाह में रह रही हैं, जो हमारे घरों के अंदर जिंदगी गुजार रही हैं, जो हमारी मातहतों में जिंदगी गुजार रही हैं। अल्लाह क्या फरमा रहा है? इन औरतों के साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर करो। हमारा हाल क्या है? हमारा हाल यह है, कोई भी औरत अपने शोहर के बारे में अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं। कोई भी औरत अपने शोहर के बारे में अच्छा गुमान रखने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है? हम में कोई कमी तो जरूर है कि जिसके नतीजे में वो हमारी हम सफर हमसे दूर होती जा रही है, वो हमारी हम सफर हमसे बदगुमान होती जा रही है। अपने अंदर जब हम अपनी कमी देखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत सुधार लाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर वो नबी वाला तरीका देके आएगा। और क्या फरमाते हैं? वाशिरुहुन बिल मारूफ, इन औरतों के साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर करो। कैसे करना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया है। एक मर्तबा फरमाया, आयशा दौड़ो, आयशा दौड़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से उनको पकड़ रहे हैं, पकड़ लिया। उसके बाद हजरत आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी आप दौड़ो। अल्लाह के नबी दौड़ते हैं, पीछे से पकड़ लिया, फरमाया अब बराबरी हो गई। फरमाया अब बराबरी हो गई। आज हमारा हाल ये है, हम तो बीच मजलिस में जलील कर देते हैं, अपनी ही औरत की पर्दा पोश जिंदगी को उछाल देते हैं, बीच मजलिस में बयान कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो हमसे फिर बदगुमान हो जाते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वाशिरुहुन बिल मारूफ, इन औरतों के साथ अच्छे तरीके से गुजर बसर करो। फइन करिहतुमुहुन फअसा अन तकरहू शैआ, अगर ये औरतें तुमको नापसंद लगती हों तो हो सकता है एक चीज तुमको नापसंद लगती हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी चीजें हमको अच्छी ही लगती हों। दुकान पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो नापसंद लगती हैं। कोई सामान खरीदने गए हैं, एक दुकान देखी, दूसरी दुकान देखी, तीसरी दुकान देखी, हजारों दुकानें देख लेते हैं, सामान पसंद ही नहीं आता। बहुत मुमकिन है, हो सकता है एक चीज तुमको ना पसंद लगती हो। وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, लेकिन बहुत मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस नापसंदीदा चीज के अंदर बहुत सी भलाइयां जमा फरमा दी हो। ऐसा बहुत होता है, आप जानते हैं कि हमारी बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, काले कलोटे हैं, बाज बेटियां हमारी काली हैं, बाज बेटियां हमारी गोरी हैं, लेकिन गोरी के अंदर वो सिर्फ हुस्न और जमाल रहता है, हुस्नो जमाल पाया जाता है, और वो हमारी काली बेटी उसके अंदर हुस्न जमाल तो नहीं पाया जाता, लेकिन उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज्जत अखलाक को दे देते हैं, बेहतरीन अखलाक से जो है नमाज देते हैं, जिसके अंदर बेहतरीन करीमाना अखलाक पाए जाते हैं, कि माँ बाप की जो है खिदमत भी कर रही होती है, सलाम भी किया करती है। क्यों? इसलिए कि उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काली और कलोटी बनाया है, उससे कोई मोहब्बत करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ने उसके बदले में ये चीज दे दी। कोई पैर से माजूर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पैरों की ताकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत कहाँ दे देते हैं? हाथों में नवाज देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत बदला जरूर देते हैं, हम समझते नहीं। इसी वजह से फरमाया, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, हम समझते हैं ये जो है ये बीवी हमारी नापसंद है, यकीनन हम जानते हैं, लेकिन समझना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके अंदर कोई ना कोई भलाई तो जरूर रखी होगी। और फिर अगर बात आती है, थोड़ी सी गलती हो जाती है, तो फौरन जो है तलाक तलाक जो है सुनाना शुरू कर देते हैं। तलाक एकदम
थोड़ी सी गलती हुई और तलाक देना शुरू कर दिया। नहीं मेरे भाइयों, आप निकाह और तलाक के अल्फाज बारहा सुनते होंगे, इन अल्फाज के माना और मफहूम को भी समझते होंगे कि निकाह के जरिए दो अजनबी मर्द और औरत को ज़ौजियत के मुकद्दस रिश्ते में जोड़ दिया जाता है और तलाक के जरिए रिश्ता तोड़ दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तलाक होती है तो दोनों मर्द औरत में जुदाईगी पैदा हो जाती है, एक दूसरे से बेगानगी पैदा हो जाती है, ला ताल्लुक हो जाते हैं। इस्लाम में निकाह मतलूब मकसूद है, तलाक मतलूब मकसूद नहीं। तलाक तो एक जरूरत है, अगर जरूरत हो और शदीद जरूरत हो कि उसके बगैर काम न चले तब तलाक दी जाए। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जिसका निकाह हुआ और उसका निकाह जिना करने वाली औरत से हो गया, पता चला नहीं। अब हम अंदाजा लगाएं, निकाह में हम उसको जब लेके आएंगे फिर पता चला कि जो है इसका पेट हमसे तो भरने वाला है नहीं, क्योंकि जो जानी औरत होती है उसका एक मर्द से पेट नहीं भरता, उसको कई मर्द चाहिए। अब इसके लिए क्या चाहिए? इस दीनदार मर्द को इस बदकार औरत से बचाने के लिए कोई तो दरवाजा होना चाहिए, कोई चीज तो होनी चाहिए। उसके लिए तलाक रखी गई है कि तलाक तो एक जरूरत है, अगर जरूरत हो और शदीद जरूरत हो कि उसके बगैर काम न चले तब तलाक दी जाए। जब तलाक न होने से मियाँ बीवी की जिंदगी अजीरन हो, बेसुकून हो, परेशान कुन हो, मुसीबत में घिरी हुई हो, तब इस मुकद्दस रिश्ते को खत्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। वरना तलाक से पहले बहुत से मराहिल हैं, समझाने बुझाने के, सुलह सफाई के, ये सारे मराहिल खत्म हो जाएं, सारी कोशिशें नाकाम हो जाएं, कोई चारा कोई सूरत तलाक के सिवा न रहे तब तलाक दी जाए, तब तलाक दी जाए। तलाक क्या होती है? ऐसा लगता है कि जमीन और आसमां बदल गए, रौनकें महफिल बदल गई, रंगे मजलिस तब्दील हो गया। तलाक होने के बाद वो माहौल नहीं, वो हमदर्दियां नहीं, वो चाहत व अपनाइयत के जज्बे नहीं, सब फना हो गए, सब ने रुख मोड़ लिया। अब क्या होता है? गम है, सदमा है, रंज तकलीफ का आलम है, उदासी है, खामोशी है, तन्हाई है और मुस्तकबिल के अंदेशे हैं और सोच का समंदर है, इंसान उसी में डूबा जा रहा है। ये हाल मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बेहतरीन हिदायत दे रहे हैं। अली बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال ابغض الحلال الى الله الطلاق। हमारा महबूब फरमा रहा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, उम्मत को तरीका बता रहे हैं और ये वईद सुना रहे हैं कि हलाल चीजों में, जायज चीजों में सबसे ज्यादा मबगूज, सबसे ज्यादा काबिल नफरत, सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली चीज अल्लाह के नजदीक तलाक है। يا معاذ ما خلق الله من شيء على وجه الارض احب اليه من العتاق ولا خلق الله من شيء على وجه الارض احب ابغض اليه من الطلاق। रुए जमीन पर अल्लाह ताला ने रुए जमीन पर गुलामों को आजाद करने से ज्यादा कोई चीज पसंद नहीं फरमाई और रुए जमीन पर अपने नजदीक तलाक से ज्यादा काबिल नफरत कोई चीज पैदा नहीं फरमाई। क्या शोहर और बीवी में थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाए और तलाक दे दी जाए? क्या हमारे नबी ने यही सिखाया? क्या तलाक इस इख्तलाफ को, इस झगड़े को खत्म करने का वाहिद जरिया है? नहीं मेरे भाइयों, बल्कि बहुत से रिश्ते हैं, सोच समझ कर कदम उठाने वालों के लिए बहुत सी राहें खुली हुई हैं। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, वाशिरुहुन बिल मारूफ, बहुत भले तरीके से जिंदगी गुजारो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के साथ जो है एक टब से ही जो है गुस्ल फरमा लिया करते थे, एक टब से ही। कभी कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यास लगती, फरमाते आयशा ये गिलास लो जरा पानी पियो। आयशा पानी पीती, जहाँ पर आयशा रजी अल्लाह अन्हा उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के होंठ मुबारक पड़ते, आप अलैहिस्सलाम देखा करते, उसके बाद गिलास लेते और वहीं पर अपना मुंह लगाते।
ये मोहब्बत थी मियाँ बीवियों में, तो ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए तो हम झूठ भी खाना गवारा नहीं करते। बीवी के झूठ को खाने में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सदके का सवाब रखा है, सदके का सवाब रखा। मेरे भाइयों हम इसको पहचाने। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा प्लेट में से बोटी उठाती खाने के लिए, आप अलैहिस्सलाम देखा करते हैं, आयशा जरा ये अपने मुंह से निकली हुई बोटी मुझे दो, चूसी हुई ये हड्डी जरा मुझे दो। आप अलैहिस्सलाम वही मुंह लगाते जहां पर जिस हड्डी की जगह पर हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा के होंठ मुबारक जो है लगे होते, ऐसी मोहब्बत थी। फिर फरमाया अगर निकाह और तलाक में निकाह में ज्यादा गुंजाइश ना रहे बल्कि लड़ाइयां शुरू हो जाएं तो सबसे पहले क्या अमल करना चाहिए? वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन फ़इज़ूहुन, जिन औरतों की नाफरमानी का तुमको खौफ हुआ करे, जिन औरतों के झगड़ने का तुमको जो है डर लगा करे, अल्लाह सबसे पहले इरशाद फरमाते हैं फ़इज़ूहुन, उनको जबानी नसीहत किया करो। सबसे पहले क्या करना है? जबानी नसीहत करना है, समझाना है, बुझाना है अच्छे तरीके से, उनके गुस्से को ठंडा करना है। अगर अगर बीवी अगर गुस्सा हो जाए तो हम खामोश हो जाएं, अपने गुस्से को दबा लें। और बीवियों को चाहिए कि अगर शौहर नाराज हो रहा है तो बीवी ठंडी हो जाए, ऐसे रिश्ता चलता है। अल्लाह फरमा रहा है जिन औरतों की ना फरमानी का तुमको खौफ हुआ करे तो सबसे पहले उनको जबानी नसीहत किया करो। उसके बाद दूसरे नंबर पर वहजुरुहुन फिल मवाजी, अब भी अगर बात न माने तो उनको उनके लेटने की जगह में तन्हा छोड़ दिया करो, यानी अलाहिदगी बरत लिया करो। अब भी ना माने तो अल्लाह तीसरे नंबर पर फरमा रहा है वज़रिबुहुन, अब उनकी हल्की हल्की पिटाई करो। लेकिन अगर वो एक मर्तबे में सुधर जाए, दूसरे मर्तबे में सुधर जाए, आज हमारा हाल तो ये है कि हल्की सी लड़ाई हुई और फौरन जो है तलाक को पकड़ लिया, हमारा हाल ये है कि अब तो इसको निकालना ही है। अल्लाह कह रहा है अगर अब बात मानना शुरू कर दे فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, تو اب بہانے مت تلاش کرو عورت, اب اگر بات ماننا شروع کر دے تو اب بہانے مت تلاش کرو۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, بے شک اللہ تو بڑی رفعت اور شان و شوقت والے ہیں۔ جب اللہ ہمارے قدم قدم کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہ ہماری ہم سفر, اگر اس سے ایک غلطی ہو جائے تو کیا ایک غلطی کو ہم درگزر نہیں کر سکتے؟ اللہ ہماری قدم قدم کی غلطیوں کو معاف کر رہا ہے, کہہ رہا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلكم ترحمون, تم استغفار کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے, کتنے ہی گناہ ہو جائیں میں تو, انہو کان غفارا, میرا نام غفار ہے, میں تو بخشوں گا چاہے تم زمین سے لے کر کے آسمان تک جو ہے اس خلے کو گناہوں سے بھر دو پھر بھی میں میری ذات بخشنے والے ہیں, اس لیے کہ میرا نام ہے غفار, میں بخشوں گا۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور ہم سے, ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سے ایک غلطی معاف نہیں کی جاتی, ایک غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, چوتھے نمبر پر فرمایا اب بھی اگر بات نہیں تمہیں مانی جا رہی ہے, اگر تمہیں میاں بیوی میں جھگڑے کا اندیشہ اب بھی لگے تو پھر ایک آدمی مرد کے خاندان سے, شوہر کے خاندان سے, وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور ایک آدمی جو فیصلے کی صلاحیت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجو۔ اِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهِ, اگر یہ دونوں آدمی اصلاح چاہیں گے, اتفاق چاہیں گے, شوہر اور بیوی کو جوڑنا چاہیں گے تو اللہ فرما رہا ہے اِن يُرِيدَ يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا, تو ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ کیسی کیسی ہدایات ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی آیتوں سے دے رہے ہیں, لیکن میرے بھائیوں ہم سب بھولے پڑے ہیں,
शुक्र मनाना चाहिए और रोजाना जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज हजरत शुआरा इकराम अशार में पतने हजारों मरतबा जो है नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे। आप इरादा करें कि इंशाअल्लाह हर मरतबा हम जो है दरूद भेजेंगे, इसलिए कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी, अल्लाह खुद फरमा रहा है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने नबी पर दरूद भेजते हैं। يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। तो ए ईमान वालो, ए मेरी बात मानने वालो, तुम भी इसी तरीके से दरूद व सलाम भेजते रहना। अल्लाह फरमा रहा है भेजो। हम भूले हुए, नबी का कितनी मर्तबा नाम लिया जाता है लेकिन हम बिल्कुल भूले हुए, जबकि लानत है नबी का नाम आए और हम दरूद न भेजें। लानत है, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कह दिया, आमीन लानत है। इसलिए हमको हर हाल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे छोटा दरूद है पढ़ना है इंशाअल्लाह। जितनी मर्तबा जो है शुआरा इकराम जो है अपनी अशार में नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे इंशाअल्लाह हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेंगे। इरादा करें इंशाअल्लाह, और रोजाना इंशाअल्लाह इस्तगफार करना है ताकि हमसे जो गलतियां हो रही हैं अल्लाह उनको माफ फरमाए, क्योंकि कदम कदम पर गलतियां होती हैं, हमको ख्याल नहीं रहता। यही वजह है गलतियों गलतियां हो जाती हैं और गलतियां होते होते दिल स्याह हो जाता है। फिर हम घर के अंदर आते हैं तो बीवी से फिर हम जो है दूर होते हैं, बीवी को भी जो है देखना गवारा नहीं करते। तो बात चल रही थी तलाक की, तलाक तलाक देना चाहिए तो किस अंदाज से देना चाहिए। बाकी की हालत में सिर्फ एक तलाक दी जाए, बाकी की हालत में सिर्फ एक तलाक दी जाए, दूसरी देना है तो दूसरी पाकी में, तीसरी देना है तो तीसरी पाकी में तलाक दे। وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير। हाँ, बहुत ऐसा होता है अगर किसी औरत को अपने शोहर से बददिमागी या लापरवाही का अंदेशा हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एक खास तरीके से बैठ करके सुलह कर ले और ये सुलह तो बहुत बेहतर है। किसी का शोहर जो है वो काम के लायक नहीं है, किसी का शोहर जो है बददिमाग है, बुरा काम करने वाला है, तो खानदान को जोड़े बिठाएं और उसके बाद जो है उसमें सुलह सफाई के जो है मामलात कर लें। कुरान कह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, हमारा तालीम से बेजार रहना, मेरे भाइयों ये तरक्कियात में पीछे रहना। आज देख लीजिए गैरों में हजारों नहीं दसियों हजार रुपये एडमिशन में खाली खर्च कर देते हैं, एडमिशन में आप जानते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन मेरे भाइयों आज हमारा हाल ये है कि 100 रुपया अगर हम देते हैं तो बार बार पूछते हैं वो दिया नहीं था, दिया नहीं था, बार बार पूछते हैं नहीं। मेरे भाइयों हम जरा सोचे तो सही, सुबह से शाम तक बीड़ी या सिगरेट पान पुड़िया खाते हैं बहुत आराम से, सबसे कमतर दर्जे का आदमी अगर खाता है तो सुबह से शाम तक 20 रुपए का आराम से जो है पुड़िया पान जो है खा लेता है, आराम से बीड़ी सिगरेट पी लेता है। बीड़ी और सिगरेट पीने के बाद खाली हवाओं में जो है धुआं छोड़ देता है, गुटका खाने के बाद, पान खाने के बाद उसकी पीस जो है जमीन पर जो है थूकता है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। मेरे भाइयों हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं, ये जो बीड़ी हम पी रहे हैं, ये सिगरेट जो पी रहे हैं, ये हमारे फेफड़ों को खराब करेगा। ये भी जानते हैं कि ये जो गुटखा खा रहे हैं ये भी जो है हमारे अंदरूनी जो है अंदरूनी मराहिल को खराब करेगा। जानने के बावजूद हम ये अमल कर रहे हैं, मेरे भाइयों ये तरीका दुरुस्त नहीं है, हमारी शरीयत इसको मना करती है। जो चीज इंसान के आज़ा को दुरुस्त नहीं, शरीयत में वो चीज दुरुस्त नहीं होती, उसका इस्तेमाल दुरुस्त नहीं होता है। इसलिए मेरे भाइयों हम सोचें सुबह से शाम तक अगर 20 रुपए का नशा हल्के दर्जे का करते हैं तो महीने के कितने हो जाते हैं, 600 रुपए होते हैं। क्या हम 600 रुपए उठा करके और मस्जिद में दे नहीं सकते हैं?
क्या उन जो है 600 रुपयों के जरिए से हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवा सकते हैं? जरूर दिलवा सकते हैं मेरे भाइयों, लेकिन नहीं, हम अपने शौक में तो पैसा उड़ाना जानते हैं, अपने बच्चों की तालीम में या नेक कामों में खर्च करना नहीं जानते। नहीं मेरे भाइयों, खर्च करें। अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह इन मानने वालों के अज्र को जाये नहीं फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।